राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा जिला। 18 मार्च तक इस जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, लेकिन अगले 10 से 12 दिनों में एक के बाद एक कोरोना संक्रमण के 26 मामले पाए गए। कहानी शुरू हुई 19 मार्च को, जब एक ही अस्पताल में दो डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बेचैनी की वजह ये थी कि ये दोनों डॉक्टर इस दौरान 6000 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए थे। ऐसे में सरकार और प्रशासन तुरंत हरकत में आए और जनता के सहयोग से कुछ ऐसा किया जिसे आज भीलवाड़ा मॉडल कहकर खूब सराहा जा रहा है। इस मॉडल के तहत भीलवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या को 27 के आंकड़े पर ही रोक दिया गया। कोरोना का पहला केस सामने आते ही जिले में तत्काल कर्फ्यू लागू कर दिया गया। पहले दिन ही 50 चेक पोस्ट बनाते हुए पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। रोडवेज की बसों का संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया, यहां तक कि प्राइवेट गाड़ियों को भी बंद कर दिया गया। कोरोना मरीजों वाले इलाकों में आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई। स्क्रीनिंग के लिए 2100 टीमों का गठन हुआ। इसके तहत 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, यानी कि जिले की लगभग पूरी आबादी इसमें शामिल की गई। स्क्रीनिंग के बाद 16,382 लोग चिन्हित किए गए। इसके बाद शुरू हुआ दूसरा सर्वे। इसमें 1,215 लोग सर्दी जुखाम से ग्रसित पाए गए। पहले मरीज यानी कि अस्पताल के डॉक्टर और ओपीडी में आने वालों की सूची तैयार करके उनके घर के बाहर पहरा लगाया गया। इनके संपर्क में आने वाले 6000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। उन सभी के ठहरने की व्यवस्था होटल में की गई। इसके अलावा जिले में बिना किसी छूट वाला कर्फ्यू लगातार चलता रहा। इस दौरान राशन, फल, सब्जी, इन तमाम चीजों की लोगों के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई। देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अगर प्लैंड मैनर में अगर किसी स्टेट ने काम किया है तो राजस्थान है। इसीलिए हमारे मॉडल्स की चर्चा हो रही पूरे कंट्री में। हमने जिस तरह से रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया, मैंने बताया आपको, वो टाइम पर पहुंच रही है। और कंटेनमेंट प्लान के तहत 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा, 5 किलोमीटर का दायरा, फिर उसके बाद में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम, तो सैंपल कलेक्शन का काम, ज्यादा से ज्यादा जांचें करने का काम, फिर उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप करने की बात। भीलवाड़ा जिले में जिस तेजी से कोरोना के मरीज 10-12 दिन में बढ़े थे, उसे देखते हुए यहां तक कहा जा रहा था कि जल्द ही कोरोना यहां तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगा। लोग तो इसकी तुलना चीन और इटली तक से करने लगे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार भी राजस्थान सरकार के भीलवाड़ा मॉडल को काफी पसंद कर रही है। केंद्र सरकार ने वहां के स्थानीय प्रशासन से इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि देश के अन्य कोरोना हॉटस्पॉट्स पर भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया जा सकता है। NBTU ऑनलाइन की रिपोर्ट।